नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका अभी के लिए मेरे दुनिया में। तो दोस्तों, आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। जा रहे हैं हम सिटी ऑफ लव, पेरिस। तो हाँ जी, ये वाला व्लॉग है वो पेरिस का व्लॉग है और बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हम शेयर करेंगे आपको, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, क्या क्या कॉस्ट होंगे, क्या क्या खर्चे होंगे और कुछ कुछ टिप्स जो आपके काम आ सकते हैं अगर आप पेरिस जा रहे हैं। और वो जो आईफिल टावर के दीवाने हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे और चार्जेस बताएंगे अगर आपको ऊपर जाना है, सब कुछ कवर करेंगे। तो पीछे जो आप नज़ारा देख रहे हैं वो बड़ा ही प्यारा नज़ारा है। ये उनके लिए जो जर्मनी में नहीं आए या आना चाहते हैं, जो आप ये पीछे देख रहे हैं ना पहाड़ियाँ, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है गाइस। तो यहाँ पे हवा पानी बहुत अच्छा है और ये एक खासियत है जर्मनी की, जो एक रीज़न आपको देता है कि आपको जर्मनी ज़रूर आना चाहिए ताकि आप थोड़ा सा टाइम एक हेल्दी एनवायरनमेंट में भी गुजारें। मैं दिल्ली का दीवाना हूँ, दिल है हिंदुस्तानी, पर फिर भी एक चीज़ जो वहाँ पर मुझे ख़राब लगती है और वो सच है, वो है पोल्यूशन। यहाँ पे वो नहीं है। तो अभी हम रुके हैं पेट्रोल भरवाने और जैसा कि आप देख सकते हैं वो रही हमारी बसंती, वो हो रही है चार्ज। तो हमारी जो मर्सिडीज़ है वो हाइब्रिड है, यानी कि वो बैटरी पे भी चलती है और बेंजीन पे भी चलती है। बेंजीन यानी पेट्रोल। हाइब्रिड डीजल मॉडल के साथ भी मिलता है पर मेरा पेट्रोल मॉडल है। तो अभी हम चार्ज कर रहे हैं, ये हमें एवरेज देगी अगर बैटरी पे चलाएंगे तो 60 किलोमीटर के करीब देगी। अभी ठंड है यहाँ पे, 3 डिग्री है अभी, तो ठंड के मौसम में एवरेज थोड़ी कम हो जाती है। तो अभी चार्ज कर रहे हैं जब तक हम कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहे हैं। वो रहे पापा, आराम से अपना सुट्टा मार रहे हैं और कॉफ़ी पी रहे हैं। ये यहाँ पे टॉयलेट के चार्जेस नहीं है, यानी कि फ्राई विलिक का मतलब अपने मन से आप जितना देना चाहो वो दे सकते हो। तो हमने अभी 50 सेंट दिया है, 1 यूरो दे दिया सब चारों जनों के लिए, पर यूजुअली आपको 50 सेंट देने होते हैं तभी गेट खुलता है। तो यहाँ पे सिर्फ बंदा बैठा है, तो इसलिए कुछ कुछ टॉयलेट्स आपको ऐसे मिलेंगे पर मोस्टली जर्मनी में टॉयलेट्स आपको मिलेंगे वहाँ पर आपको पैसे डालने ही होंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक होगा। तो यहाँ पे फ्राई विलिक का मैंने आपको एक वर्ड बताया है, जर्मन वर्ड, तो याद रखिएगा फ्राई विलिक मीन्स अपने मन से। ओके, तो चलो कॉफ़ी ब्रेक ख़त्म हुई है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जुड़े रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, ये उनमें से एक है। तो दोस्तों अब हम दूसरे स्टॉप पे रुके हैं, मम्मी को थोड़ा रिलैक्स करना था पर मैंने सोचा कैमरा निकालते हैं क्योंकि अभी बर्फ़ पड़ रही है। स्प्रिंग का मौसम है पर बर्फ़ पड़ रही है, विच इज़ क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, पर 2 डिग्री सेल्सियस है और बर्फ़ पड़ रही है। अगर आपको दिख रही है तो बहुत अच्छा, नहीं दिख रही तो मैं बता रहा हूँ कि बर्फ़ पड़ रही है, ठीक है। तो बस अब हम वापस ड्राइव पे जाते हैं क्योंकि अभी हम आधा घंटा लेट हैं स्केड्यूल से, क्योंकि हम बीच में 2-3 बार रुके हैं, वरना 600 किलोमीटर फ्रैंकफर्ट से पड़ता है पेरिस। हमने एयरबीएनबी लिया है, डिटेल मैं आपको वहाँ जाके बताता हूँ। तो अब हम जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं एक्वेरियम मम्मी पापा को लेके। तो ये उनके लिए है जिनके साथ अगर बच्चे हैं तो एक्वेरियम दीपारी ज़रूर विज़िट करिए। अंदर जाके क्या एक्सपीरियंस होता है अगर वीडियो बनाने देंगे तो ज़रूर दिखाऊंगा, नहीं तो फिर बाहर आके बताऊंगा कि एक्सपीरियंस कैसा था। और हमने एयरबीएनबी पे अपार्टमेंट बुक किया है तो वो भी मैं आपको अपार्टमेंट दिखाऊँगा। बहुत ही प्यारा अपार्टमेंट है, बहुत ही सस्ता मिला है। सस्ता इन अ सेंस डिपेंड करता है, वो तो सिचुएशन बाय सिचुएशन और सिनेरियो बाय सिनेरियो, किसके लिए क्या सस्ता है, किसके लिए क्या महंगा है, पर अच्छा अपार्टमेंट है। और वहाँ से आईफिल टावर और आर्क डे ट्रियम्फ वहाँ से सिर्फ 20 मिनट बाय कार है। और अब एयरबीएनबी में जो हमारा अपार्टमेंट है वहाँ पर गैराज भी फ्री है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप एयरबीएनबी ही लें। और अब हम अंदर जा रहे हैं, पापा मम्मी लाइन में लगे हैं, तो अंदर जाके अगर कैमरा ऑन रखने दिया तो आपको एक्वेरियम की भी सैर कराते हैं। तो ये है एक्वेरियम की एंट्री, अब हम अंदर जा रहे हैं। वाओ James of the fishes here, you see? Sona, you're taking it, no, Sona? I'm taking a video. Okay, then you will give it to me, no? Yeah. Okay. Oh, see how beautiful the fish is. Oh my. Lovely.
तो ये एक्वेरियम की एंट्री है। अभी मिल्डा थोड़ा लड़के आई है क्योंकि वेबसाइट पे लिखा है 7 बजे एक्वेरियम बंद होगा, पर हमें 6 बजे हम पहुँचे, हमने टिकट्स बुक कर ली थी और हमें अंदर फिर भी नहीं आने दिया। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा अगर आप आते हैं यहाँ पे एक्वेरियम दी पैरी, तो ये हो सकता है ये सिचुएशन हो, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको नीचे आके मैनेजर से बात करनी पड़े तो ज़रूर करिए, अगर घुसने ना दें तो। 7 बजे बंद होता है वेबसाइट पे लिखा है, पर बाहर गार्ड कह रहा था नहीं वो गलत है तो भाई चेंज करो यार। तो हमने पैसे दिए, पर खैर अब घर बैठ के एक्वेरियम का मज़ा लो इस वीडियो के थ्रू। लाइक ज़रूर करना यार। She's talking with us, yeah? Yeah. वो मुंह उठा लिया देखो पानी के बाहर। तो फिशेस के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। Oh, shark. What's this fish? यार साइज देखो इनका, मछलियों का। एक एक हाथ जितना, मतलब मेरा पूरा एक आम है उसके जितना है ये साइज। ये रहा वो बेबी शार्क, ये बेबी शार्क है। वो ये क्वारल्स हैं मेरे ख्याल से। वो दोस्तों मैं बच्चा नहीं हूँ पर फिर भी ऐसी चीज़ है ये, देख के मज़ा आ रहा है। यानी कि मन कर रहा है कि आगे जाके भी अंदर देखूं कैसी कैसी फिशेस हैं। और सही बता रहा हूँ, यानी कि मतलब बहुत बड़ी मछलियाँ हैं। आपको लगेगा कि क्या यार बच्चों जैसी बातें कर रहा है, बड़ा एक्साइटेड हो गया मछलियाँ देख के, पर सही में एक्सपीरियंस है। हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहिए मेरे हिसाब से, और ये भी एक एक्सपीरियंस है। मैं तो रिकमेंड करूँगा स्पेशली अगर आप बच्चों के साथ हो। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे एडल्ट्स भी आए हैं, यंगस्टर्स भी आए हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कपल्स भी देख रहा हूँ मैं, फ्रेंच कपल्स आए हुए हैं वो देख रहे हैं। तो यार कुछ तो है, मतलब मुझे तो पसंद आया। मेरे हिसाब से एक एक्सपीरियंस है जो करना चाहिए, बच्चे हो ना हो ज़रूर देखिए, क्योंकि पेरिस में बहुत सी चीज़ें हैं देखने को। मैं कहूँगा उनमें से एक ये भी है अगर आपके पास टाइम है और आपके बजट में है तो। तो ये तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है ही मेरे हिसाब से। आगे देखते हैं। तो दोस्तों हमें 15 मिनट हो गए हैं और अभी शायद हमने आधा एक्वेरियम ही ख़त्म किया है। तो ध्यान रखिएगा कि आप आएँ तो थोड़ा टाइम निकाल के आएँ, क्योंकि अभी हमारे पास आधा घंटा ही बचा है। 7 बजे बंद हो जाना है, हम 6 बजे पहुँचे हैं, बाकी अभी आगे देखते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक तो, और आगे भी होने ही वाला है। और बता रहा हूँ चाहे बड़े हो या छोटे बच्चे हों, सबके लिए एक्सपीरियंस तो है ये। Finding Nemo. Finding Nemo.
my god, cute! Cute, cute! In Spanish, dog, dog, name dog in Spanish, perro. 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 Okay. Dog. In French, chien. 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 In Germany, dog. Hund. 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 Yeah. Voilà, yeah, good. Adios. Police Francia. Police Francia, murder. Police Francia. Ah, a register? No problem. Monsieur, no problem. No problem. Toi et moi. Crazy driver. Hey, pizza. Yeah, good. Pizza. Give me pizza. I am actor. Yeah. तो दोस्तों वापस हम अपार्टमेंट पहुंच गए हैं। बाहर निकल के मैं वीडियो को आगे नहीं बढ़ा पाया क्योंकि बहुत ठंड थी। मेरी हालत ठीक थी पर मम्मी पापा को बहुत ठंड लग रही थी। ये एक और प्रूफ है कि इंडिया वाले कपड़े ना, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि विंटर क्लोज आप इंडिया से ना खरीदें, यहीं आके खरीदें, जबकि टेम्परेचर पॉजिटिव में था 2 डिग्रीज, ठीक है, दो इट फेल्ट लाइक माइनस, पर फिर भी पॉजिटिव में था, माइनस तो पहुंचा भी नहीं था। और उनकी बहुत यानी कि हालत ख़राब हो रही थी तो इसलिए मम्मी पापा के साथ ही था मैं, इसलिए कैमरा बाहर नहीं निकाला। और घर आके अब मतलब अपार्टमेंट आके वीडियो बना रहा हूँ, बहुत मज़ा आया गाइस। वहाँ मैंने बच्चा एक भी नहीं देखा, जबकि मैं सोच रहा था कि बच्चों के लिए वो ज़्यादा एक्वेरियम अच्छी चीज़ है। तो ये एक जो है ना एक्वेरियम डी पेरिस, ये आप ज़रूर अपने ऑप्शन में कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर पेरिस आते हैं 2 दिन के लिए तो मैक्सिमम आएंगे ही आएंगे, 1 दिन में तो आप मेरे ख्याल से इतना कुछ खास होगा नहीं, जबकि आप सारे जो मेन मॉन्यूमेंट्स हैं ना, आईफिल टावर जो मेन है, फिर आर्क डे ट्रायंफ, फिर लूवर म्यूज़ियम, ये सब आप 1 दिन में कवर आराम से कर सकते हैं। तो अगला दिन जो है ना वो आप ये एक्वेरियम देख सकते हैं। अब करते हैं पैसों की बात, वीडियो ताकि लंबा ना हो, पैसों की बात करते हैं। तो हमें 19 यूरोस पर पर्सन पड़ा था, तो ये पड़ता है, हम 4 जने थे तो 76 यूरोस पड़ता है। तो ठीक है, जैसा मैंने बताया, अगर बजट में है तो ज़रूर देखिए। बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरे लिए तो अच्छा एक्सपीरियंस था ही, आपका पता नहीं, पर वीडियो देख के आपको शायद लगे कि एक्सपीरियंस करने लायक जगह है, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और आपको लगता है कि एक्सपीरियंस करने लायक जगह नहीं थी, छोटे बच्चों के लिए, तो भी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस है ना। पता नहीं क्या बोला, पर जो भी है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बड़े व्लॉग्स आने वाले हैं इस पेरिस व्लॉग की जो सीरीज़ है, मतलब 2-3 वीडियोस ही होंगी, उसमें मैं आपको ये भी बताऊँगा कि हमने एयरबीएनबी का जो अपार्टमेंट लिया है वो हमें कितना सस्ता पड़ा, कैसे ढूंढा जाए, और क्या फ़ायदा है एयरबीएनबी का वर्सेस होटल, स्पेशली इन पेरिस। हर जगह पे अपने अपने बेनिफिट्स, प्रोज एंड कॉन्स हैं, पर ये वाला एक्सपीरियंस मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगले वीडियो में।